16 जनवरी के दिन महाराष्ट्र के टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर शिवसेना नेता युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य जी ठाकरे साहब इस शहर में आ रहे हैं। इस शहर के जो बड़े बड़े 8 प्रोजेक्ट है, इसमें कचरा प्रक्रिया केंद्र है, ब्यूटीफिकेशन किए हुए बस स्टॉप है 150, साइकिल ट्रैक्स है, शिवसेना प्रमुख का म्यूरल है, शहर का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, शिवसेना प्रमुख हिंदुराज सम्राट माननीय बाला साहब जी ठाकरे इनका म्यूरल है, ऐसे अलग अलग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मिनी स्टेडियम है, ऐसे अलग अलग 8 जो बड़े डेवलपमेंट के काम हुए उसका लोकार्पण माननीय आदित्य जी ठाकरे और इस जिले के गार्डियन मिनिस्टर माननीय सुभाष जी देसाई साहब इनके शुभ हाथों से होने वाला है। ये लोकार्पण के सिवा इस शहर के डेवलपमेंट के बारे में शहर के जाने माने 100 लोगों के साथ माननीय आदित्य जी ठाकरे खुद डायलॉग भी करने वाले हैं। इस डायलॉग के माध्यम से शहर के डेवलपमेंट में और दिशा क्या होनी चाहिए, उसमें गतिमानता कैसे आनी चाहिए, इसके लिए भी विचार विनिमय होने वाला है। सर, इलेक्शन करीब आते ही संभाजीनगर औरंगाबाद का मुद्दा सामने आ जाता है, सर कब तक चलेगा? आप जो बोल रहे गलत है, इलेक्शन के लिए नहीं है, ये पिछले 30-32 साल से शिवसेना इसके पीछे लगी है और हर साल एक आंदोलन हमारा होता है, हर साल हम कोई ना कोई जेल में जाता है, हर साल हमारे पे केसेस है, 45 केसेस इसमें संभाजीनगर नामकरण के बारे में शिवसैनिकों पे हुई है, उसमें हजारों शिवसैनिक है, हमने रेल रोको किया है, हमने रेलवे स्टेशन का नाम मिटाया था, हमने बस स्टैंड का नाम मिटाया था, हमने दुकानों में लगाया था औरंगाबाद मिटा के सामान, ये अनेक आंदोलन हमने किया है। एक इलेक्शन का इशू नहीं, ये शहर के अस्मिता का विषय है और शिवसेना इलेक्शन रहो नहीं तो नहीं रहो ये विषय लगा के रखे। लेकिन महागाड़ी में दो राय नजर आ रही है सर, कांग्रेस बोल रही है। उद्धव जी ठाकरे साहब ने सुस्पष्ट भूमिका रखी, इसलिए मेरे को अलग से रखने की जरूरत नहीं।